अस्सलामु अलैकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज एक व्यूवर का मुझे फ़ोन आया और उसने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो माइंस के शोबे से वाबस्ता मजदूर रहे हैं बेचारे, उनका काम नहीं किया जा रहा। हम इस पे बात करेंगे, PTCL के हवाले से एक पैगाम देना चाहेंगे और वीडियो तमाम हो जाएगी, इसलिए आप जुड़े रहें, तमाम पूरी वीडियो आप मुलाजा फरमाएं। नाज़रीन, मुझे एक साहब ने फ़ोन किया है, हालांकि मैंने कहा हुआ है कि मुझे फ़ोन ना करें बल्कि वॉइस मैसेज करें। आज मुझे ये फ़ोन मौसूल हुआ है, ये मियां वाली का कोई इलाका है, वहाँ से वो साहब ताल्लुक़ रखते थे। वो कहते थे कि यहाँ माइन से वाबस्ता जो मज़दूर हैं उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि EOBI के मुताबिक जो कानून है वो ये है कि 15 साल की बजाय अगर 10 साल भी कोई सर्विस करता रहा हो, उसका माइन से ताल्लुक हो, तो 60 साल की बजाय 55 साल की उम्र में भी वो पेंशन ले सकता है। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें EOBI जो है वो तावन नहीं कर रहा। उस हवाले से मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह, एक तो मैं ये EOBI के हकाम से ये कहूँगा, शकील अहमद मगनीजो साहब से कहूँगा कि खुदा के लिए ये मामलात देखिए, क्योंकि ये कानून साजी जो हुई है उसके बाद जो चीज़ें हैं इसे क्लैरिफाई करें। एक दफ़ा आप एक नोटिफिकेशन निकालें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बेवा पेंशन ले रही थी, बेवा के इंतकाल के बाद बेवा बेटी या अनमैरिड बेटी भी मौजूद है, लेकिन हकूमती पेंशनर के रूल से बरक्स उन्हें ये दिया नहीं जाता। ये नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी का खात्मा ख्वा कानून साजी हो करना जो है वो ज़रूरी है, और उस वक्त तक कम अज़ कम ज़रूरी है जब तक पेंशनर्स जो हैं उनके लिए नए कवानीन नहीं बन जाते। ये बात हो गई EOBI की, और PTCL के हवाले से हम ये बात करेंगे कि जहांगीर मिर्ज़ा साहब एक हैं बुज़ुर्ग और इंतहाई मुखलिस, और वो हर महीने PTCL के पेंशनर्स को ये बताते हैं कि आपकी पेंशन जो है वो आ गई। तो उनकी तरफ से ये मैसेज है कि इस्लामाबाद पेंशन ट्रस्ट ने पेंशन रिलीज़ कर दी है, तो आप अपने बैंक में कंफर्मेशन के बाद बैंक से जाकर पेंशन वसूल कर लें। इसके साथ ही इस मुख्तसर वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन भी लेंगे, और दूसरे साथी जिन्होंने हाल ही में सब्सक्राइब किया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह।